हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज। हर बार की तरह आज भी हम एक क्रूशियल टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। कुछ ऐसा टॉपिक जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चों ने मार्क कर रखे हैं कि मुझे नहीं करने यार, ये तो बहुत मुश्किल होते हैं। उन टॉपिक में एक और आता है हमारे पास, FBD, जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो नीट वाले बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि सर यार ये बहुत टफ है। एक तो फिजिक्स उनको टफ लगती है सबसे पहले, और उसके बाद उसमें लगता है कि ये वाले में डायग्राम आ गया, ये एरो हो गया, यहाँ टेंशन लगेगी, यहाँ ये होगा। थोड़ा आराम से, इत्मीनान से समझिए हमारे साथ। कोई ज्यादा बहुत बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आराम से प्यार से समझिए इस टॉपिक को। हम लोग करना शुरू करते हैं और एक एक करके एक एक टॉपिक लेकर के चलते हैं और क्लियर करते हैं। ये सब टॉपिक है किसका, इसकी आर्टिकल किस चैप्टर में आता है। ये आर्टिकल आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। जैसे फ्रिक्शन आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, वैसे ही ये आर्टिकल भी आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। कैसे करना है जरा समझिए। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखी है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है अ डायग्राम विच शोज ऑल पॉसिबल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर जितने पॉसिबल फोर्सेस हैं वो सब दिखाए जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये ऑब्जेक्ट रखी है, ये कहती है मेरे पे कौन सा फोर्स लग रहा है? दो फोर्स तो भाई तेरे पे भी लग रहे हैं, एक mg नीचे को और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। R-mg = 0। ये केस किसका है? ये फ्री बॉडी डायग्राम का पहला केस है कि ऑब्जेक्ट रखी है और ऑब्जेक्ट का वेट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन डाउनवर्ड है, रिएक्शन अपवर्ड है, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कनेक्टेड बॉडीज का केस। बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि न्यूमेरिकल में कनेक्टेड बॉडीज आ गई सर, कैसे होगा? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1, दूसरी ऑब्जेक्ट जिसका मास m2, इसका वेट m1g डाउनवर्ड काम करेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन r1 अपवर्ड काम करेगी, इसका वेट m2g नीचे काम करेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन r2 ऊपर काम करेगा। इनका तो हिसाब यहीं बराबर कर देते हैं, r1 और m1g इक्वल है, r2 और m2g इक्वल है। इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर एक टेंशन लग रही है, उस टेंशन को समझते हैं। यहां टेंशन आ रही है टी। सर दो तरफ क्यों लगाया आपने टेंशन? यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस पार्ट पर कंफ्यूज होते हैं कि टेंशन दो दो क्यों दिखाते हो। तो बेटा समझाते हैं आपको टेंशन दो दो क्यों दिखाते हैं। एक पार्ट वो है जो कि हमारे पास में, जैसे ये समझिए एक घर के अंदर तीन बच्चे हैं, ठीक है, और फादर ने बोला कुछ सामान दिया, से मूंगफली ला कर दी आधा किलो, और बड़े बेटे को बोला कि तुम आपस में बांट लो, लेकिन एज के हिसाब से बांटना, एज के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, इस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मान लो बड़ा बेटा जो है वो कितने साल का है, बड़ा बेटा 15 साल का, उससे छोटे वाला 10 साल का, और उससे छोटे वाला 5 साल का, 5-5 साल का गैप मान लेते हैं। अब उसके पास टोटल कितना हो गया, 15 + 10 = 25, 25 + 5 कितना हो गया, 30, उसके पास वो खुद कितना मान के चल रहा, 30। अब अगर उसके पास में 1 किलो या आधा किलो मूंगफली है तो अपने लिए एक बड़ा फ्रैक्शन रखेगा, 3:2:1 के फ्रैक्शन में बांटेगा उसको, अपने लिए बड़ा फ्रैक्शन रखेगा, छोटे वाले भाई के लिए, मझले वाले के लिए थोड़ा कम फ्रैक्शन रखेगा, और जो सबसे छोटे वाला है उसके लिए और कम फ्रैक्शन रखेगा, क्योंकि जो बड़े, अब ज्यादा काइंड हार्टेड बनने की यहां पर नहीं है, क्योंकि एज के हिसाब से बांटने को कहा गया है, इंस्ट्रक्शन यही है, तो इसलिए बराबर नहीं बांट रहे हैं आप, एज के हिसाब से बांट रहे हैं, छोटे वाले को कम दिया जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि छोटे वाले का जो ईटिंग कैपेसिटी है वो उतनी है, उससे ज्यादा वो नहीं खा सकता। यहां भी वही कहना चाह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका जो वेट होगा ना, उसका जो टेंशन है या जो अप्लाइड फोर्स है, उस अप्लाइड फोर्स का जो फ्रैक्शन है वो एज पर मासेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जितना पार्ट इसके फोर्स से घटेगा उतना पार्ट इसमें ऐड होगा। देखो ध्यान से समझना, आप क्या करेंगे फॉर M1, इसके डायग्राम को हम ऐसे समझते हैं, फॉर M1 आपने अप्लाइड फोर्स कितना रखा, F,
माइनस टी, ये वाली टेंशन माइनस हो गई बेटा, इज इक्वल टू एम वाले। पूरा जो मिला वो किसको मिला, कहता है एफ। एफ किसको लगाया, बड़े वाले को लगाया, लेकिन बड़े वाले ने छोटे वाले का एक फ्रैक्शन अपने में से माइनस करके अपने लिए वैल्यू रख दी। इसमें क्या डिफिकल्ट है, और छोटे वाले को क्या मिला, फॉर एम टू टी इज इक्वल टू जो फ्रैक्शन बचा था जो बड़े ने छोड़ा। ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे भी समझिए कि द फोर्सेस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर मासेस। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम में एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या है, एक्सेलरेशन। बिकॉज दीज आर कनेक्टेड बॉडीज, दे ऑल विल मूव एज पर सेम एक्सेलरेशन। उनका एक्सेलरेशन क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। जैसे मान लिया दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 15 केजी की है और एक 10 केजी की है, एंड दे आर बीइंग कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एंड अ टेंशन एक्ट्स बिटवीन देम। और जो आपका अप्लाइड फोर्स था वो 50 न्यूटन का है। अब फिर वही बात है कि डिवाइड होगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं, तो कहते टोटल फोर्स कितना है 50। फार्मूला से करते हैं F 50 माइनस जो पार्ट छोटे वाले के लिए छोड़ा T इज इक्वल टू 15 है, और दूसरा केस T इज इक्वल टू 10 है। आई एम गेटिंग टू इक्वेशंस हियर, T से D कट गया, 50 इज इक्वल टू 25, तो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, किसी भी इक्वेशन में लगा दें, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। फॉर इक्वेशन टू, तो टी इज कमिंग 20 न्यूटन, टी आ गया मेरे पास 20 न्यूटन। अब वही वाला केस ले लेते हैं जो एग्जांपल शुरू में लिया था। हमने बोला तीन बेटे, हम तीन बेटे नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स 15 किलो, और दूसरी वाली कौन सी थी 10 केजी, और तीसरे वाली कौन सी थी 5 केजी। यहां पर टेंशन कितनी है T1, और यहां टेंशन कितनी आ रही है T2, और कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ये, और आपने जो फोर्स लगाया वो लगाया आपने 16 न्यूटन। अब उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा, वो प्रोपोर्शन आप देखना ध्यान से। देखिए एक बात और याद रख लीजिए, अगर स्ट्रिंग्स डिफरेंट है तो टेंशन डिफरेंट रहेंगी, और अगर स्ट्रिंग्स सेम रहेगी तो टेंशन भी क्या रहेगी, सेम। ये फ्री बॉडी डायग्राम्स में याद रखना है, अगर सेम स्ट्रिंग चल रही है थ्रू आउट द डायग्राम, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगी। अगर स्ट्रिंग चेंज हुई तो टेंशन भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे फॉर एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़िए। अब आप कहेंगे सर आपने वो नहीं लगाया 15G ऊपर और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको क्लियर है, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां पर एक वेट काम कर रहा है 15G, फिर यहां नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है R1, यहां फिर एक और वेट, वो सब करने की हमको जरूरत नहीं, आई थिंक वी डोंट रिक्वायर दैट। अच्छा अब फोर्स कितना है 60 न्यूटन, तो हमारे पास फॉर किसके लिए 15 केजी, कितना अप्लाइड फोर्स है 60 न्यूटन, माइनस टेंशन कितनी आ रही है उसका, ये जो है ना ये बाकी दोनों के फ्रैक्शन लेके चल रहा है, यहां T2 का कोई काम नहीं है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं बस देख लो, 60 आगे है T1 पीछे, आपको कोई T1 सपोर्ट भी कर रहा है, ये जो T1 सपोर्ट कर रहा है पीछे वाले को सपोर्ट कर रहा है, आगे वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा। 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 15 है, और उसके बाद T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 है, और उसके बाद T2 इज इक्वल टू 5 है। हाउ मेनी इक्वेशंस वी आर गेटिंग, 3। कैन वी एड दीज 3 इक्वेशंस, एड करने में बहुत मजा आता है, पता क्यों, आप देखो T2 कट गया, T1 कट गया, 60 इज इक्वल टू कितना आ रहा, 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30, A इज कमिंग व्हाट,
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे, T2, और उसके बाद आप क्या निकाल लेंगे, T1। देखें ना ध्यान से कैसे, A की वैल्यू 2 आई, A की वैल्यू 2 आने से फ्रॉम इक्वेशन 3 10 न्यूटन, और उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 T1 minus 10 is equal to 10A, कितनी वैल्यू आ रही है, A की वैल्यू कितनी है 2, 10 into 2 कितना आ गया 30 न्यूटन। एक्सेलरेशन मिल गया, मिल गया, T1 T2 की वैल्यूज मिल गई, मिल गई। अब आप देखो कि यहां 60 था, पर इस 60 में से इसको कितना मिला, ये कहता है मुझे 60 माइनस 30 30 मिला, इसे कितना मिला T1 minus T2 10, इसे कितना मिला 20 न्यूटन, और इस लास्ट वाले छोटू को कितना मिला 10 न्यूटन। आ रही बात समझ, थोड़ा क्लियर कर रही है इस चीज को, कि आपने 60 न्यूटन दिया था लेकिन कितना जस्टिफाइड रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। इसी में एक दिमाग में आपके आ रहा होगा कि नहीं सर, आगे छोटा लगा लो पीछे बड़ा लगा लो तब क्या होगा, एक बार देखो, 1 किलो की ऑब्जेक्ट यहां लगा दी मैंने और 15 किलो की यहां लगा दी और यहां ले लिया मैंने 48 न्यूटन का फोर्स, स्ट्रिंग से एक ही टेंशन आएगी, टी ले लिया, T1 का कांसेप्ट ही नहीं, आगे वाला वेट छोटा पीछे वाला वेट बड़ा, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, ए क्या करूंगा फॉर 1 kg 48 माइनस टी इज इक्वल टू 1 into ए फॉर 15 kg तो टी इज इक्वल टू 15 है, टी की वैल्यू लगा दो 48 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना 3 meter per second square, इस ए की वैल्यू यहां लगा दी, क्या आएगा टेंशन की वैल्यू 45 न्यूटन, कितना वैल्यू आ रहा 45, टेंशन 45, तो इसका मतलब 48 में से सिर्फ इस बेचारे को कितना मिला, कहता मुझे सिर्फ 3 न्यूटन मिला, सिर्फ 3 न्यूटन, इसका मतलब फोर्स बहुत जस्टिफाइड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ, कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आराम से समझिए, वीडियो पूरा देखिए आराम से, आपको समझाने के लिए हमने टाइम निकाला है, बच्चों की बहुत डिमांड रहती है, मेरे को पता है बच्चा किस पॉइंट पर अटकता है, इससे पहले प्रोजेक्टाइल बनाई, इससे पहले हमने कोलिजन बनाई, इससे पहले फ्रिक्शन बनाई, क्यों, क्योंकि मुझे पता है बच्चा यहीं अटकता है, और एक और कराई जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसे टॉपिक्स जिस पर बच्चा फंसता ही फंसता है, परेशान होता ही होता है, फिर वो क्या करते हैं इग्नोर, फिर बाईपास, पूछो आता है, हाँ आता है, कर सकता है, हाँ कर लूंगा, न्यूमेरिकल करने को दो किए, 3 किए, उसके बाद कोई ना कोई बहाना बना के साइड निकल जाते हैं। इस सबकी सिचुएशन है, आपकी भी वही है और जो बाकी बच्चे हैं उनकी भी वही है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। अब एक और केस, इसका वेट नीचे काम कर रहा, यहां आपको एक बात समझनी होगी, वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये आपस में एक दूसरे से इक्वल होंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे, R इज इक्वल टू कितना आ गया, हम इसको फ्रिक्शन लेस ले रहे हैं, स्मूथ सरफेस मान के चल रहे हैं, स्मूथ सरफेस पर अगर ये 50 किलो है और ये 1 किलो भी है तब भी ये मूव करेगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिर बोलो अगर ये 1 किलो है 10 न्यूटन है और ये 50 केजी है तब भी फिजिक्स कहती है द सिस्टम विल मूव डेफिनेटली, ओके, अगर मूव करता है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने ए ले लिया, लेट्स कैलकुलेट, कोई दिक्कत ही नहीं, फॉर M1 इसका वेट नीचे काम कर रहा है माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन आई एम गेटिंग,
सेकंड केस पर आ जाते हैं कि टेंशन इसको आगे मूव कराएगी। How many equations we are getting? Two. Can we solve them? Yes, we can solve them and we'll solve it by taking numeric values. एक बार numerical value ले लेते हैं। बहुत प्यार से आराम से समझिए इस टॉपिक को, कोई जल्दी मत करो, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। ये 2 kg, ये 10 kg. I need to calculate the tension. और यहां पर आपका अप्लाइड फोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं, बस इतना ही दे रखा। इसका वेट नीचे काम करेगा, आई विल राइट इट 2g, तो कहता है फॉर 2 kg 2g माइनस t इज इक्वल टू 2। और इसके लिए फॉर 10 kg t इज इक्वल टू 2g = 12a, 2 into g = 10, 12a, a = what, 20 upon 12, 5/3 m/s². एक्सेलरेशन मिल गया, टेंशन निकाल सकते हैं। (50/3 N) टेंशन इज कमिंग व्हाट 50/3 N। और थोड़ा सा करते हैं, एक और बॉडी कनेक्ट करते हैं। यही तो खेल करना है, यही समझना है, इसी फन में आपको समझना है। एक और लेते हैं, दो बॉडीज कनेक्ट करते हैं ना, करके देखो क्या होगा। गलत ही तो होगा, कोई बात नहीं बेटा, यहां गलत हो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। 10 kg ये ले लिया, 4 kg ये ले लिया, और यहां पर आपने ले लिया 16 kg। मैं ऊपर वेट ज्यादा लगा रहा, नीचे कम लगा रहा, ताकि आपके दिमाग से एक कंसेप्ट टूट जाए, ये मिसकंसेप्ट निकल जाए कि नीचे वाला कम होगा तब ऊपर वाला नहीं चलेगा। तब भी चलेगा अगर ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है। फिजिक्स कहती है यहां पर, फिजिक्स के हिसाब से मानू, अब बोलू मैं आपको, फिजिक्स के हिसाब से मानू कि यहां पर अगर मैंने चींटी भी लटका दी तो ये सिस्टम मूव करेगा अगर ये फ्रिक्शनलेस है। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो, अगर मैंने यहां पर चीटी भी लटका दी ना तब भी फ्रिक्शन अगर नहीं है तो ये मूव करेगा। आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज आप ये लेकर के चलना पड़ेगा। अच्छा चलिए करते हैं, 10 kg नीचे, यहां स्ट्रिंग T1 टेंशन, एक स्ट्रिंग सेम टेंशन, स्ट्रिंग बदली टेंशन बदल गई, पूरा सिस्टम विल मूव दिस वे। क्या मिलेगा फॉर 10 kg, 10g - T1 = 10, फॉर 4 kg T1 - T2 = 4, और फॉर 16 kg के लिए T2 = 16। Let's solve it, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये चलेगा ही सर, गलत बोल रहे हैं। चल 10g, और कोई है चलाने वाला, नहीं, ग्रेविटी 10 ले ली, 16 + 4 कितना हो गया 20 + 10 कितना आ गया 30, ये 100 आ रहा, 100/30, एक्सेलरेशन इज कमिंग 3.33 m/s². सिस्टम मूव करेगा और एक्सेलरेशन आ गया तो आप टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं T1 T2 की वैल्यू। अब और आर्टिकल पे आते हैं, आई हैव अ नंबर ऑफ डायग्राम्स सो दैट आप ये टॉपिक समझ जाए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। और आगे देखते हैं, आज मजे की बात कि मैंने नंबरिंग भी नहीं डाली, बस समझाना चाह रहा हूं। स्लाइड्स देख लेते हैं, 9 slides, इसका मतलब 9 diagrams हम कर चुके हैं। अब क्या करोगे भाई, अब वो साइड ज्यादा मूव करेगा जिस साइड पर, समझ रहे हैं, मैंने यहां पर क्या लगा दी, पुली लगा दी और पुली के साथ वेट लटका दिया। वेट से ही कर लेते हैं इसको, 10 kg
4 kg, 6 kg. Strings are different? Yes, we have two different strings. कौन सा वेट ज्यादा है? कहता 10 kg ज्यादा है, 6 kg कम है. द सिस्टम विल मूव दिस. कैसे? कहता 10 g. T1 - T2 थर्ड केस, T2 ज्यादा है और 6g क्या है? कम है. T2 - 6g. ऊपर का फोर्स ज्यादा है, 6g नीचे है. जरा ऐड कर दो, T1 कटा, T2 कटा. 10g - 6g, 10 + 4 = 14 + 6 = 20. Acceleration is coming 2 m/s². I found the acceleration. और acceleration निकलने के बाद फिर हम क्या करेंगे? Acceleration जैसे निकलेगा, first equation में लगा दो, T1 निकल जाएगा. मैं करके दिखाता हूं, थोड़ा बड़ा question है इसलिए इसको समझ लेना चाहिए हमको, थोड़ा प्यार से आराम से समझ लेना चाहिए. Acceleration की value मिली मुझे from equation 1. कितना रहा? 100 - 20, T1 आ गया 80 N. अब T2 निकालना है. सिक्सटी प्लस ट्वेल्व सेवेंटी टू न्यूटन. मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ले रहा हूं. याद रखिए, अगर आपके पास क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा कैलकुलेशंस इजी करानी है तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेंगे. अगर आपके पास वेलोसिटीज की वैल्यूज 4.9 और 9.8, 14.7, 19.6 इस तरह से दिए हैं, 39.2 दिया हुआ है, तो उस केस में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे? 9.8 लेंगे. एग्जाम में क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर लिख रखी है तो जो लिखी है, अगर 9.6 लिखी है, 9.7 दिया, 9.7 लेंगे, और अगर 10 दिया तो 10 लेंगे. चलते हैं आगे. एक और केस, और इसको हम बोलते हैं एटवुड मशीन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम बोलते हैं क्या? एटवुड मशीन. इसका क्वेश्चन बहुत आता है. ये एटवुड मशीन हमको सॉल्व करनी आनी चाहिए. ये M1, ये M2, और मान लिया कि M1 बड़ा है. किससे बड़ा है भाई? M2 से बड़ा. M1 बड़ा है तो वेट नीचे काम करेगा. यहां M2 नीचे काम कर रहा है, दोनों के वेट नीचे ही काम करेंगे, लेकिन मूव कहां करेगा? अगर M1 बड़ा है, द होल सिस्टम विल मूव इन दिस. ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस के लिए अब स्ट्रिंग तो एक ही है भैया, आप टेंशन सेम रखेंगे. M1 बड़ा है, M1g - T, और दूसरा केस T - M2g. इफ आई एम एडिंग दीज टू इक्वेशंस देन व्हाट आई विल गेट? M1 - M2 × g, M1 + M2 × a. What is acceleration coming? M1 - M2 × g. हम acceleration कैलकुलेट कर लेंगे, एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ acceleration, आई कैन पुट इट इन एन इक्वेशन. तो मैं क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा? टेंशन की वैल्यू. वो भी करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को रहता है कि नहीं सर फार्मूला बता दो. मैं तो कहता हूँ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला याद करने की नहीं जरूरत, साथ साथ इक्वेशन बन जाएगी. बट फिर भी चलिए करते हैं. T - M2g ये टर्म उधर चली जाएगी. M1 - M2, या फिर आई कैन राइट इट M1g - M2g अपॉन M1 + M2 + M2g. आई एम टेकिंग एलसीएम हियर.
फिर उसके बाद और उसके बाद जब आपने एलसीएम लिया तो क्या मिल रहा है यहां पर, M1 प्लस M2G तो मैंने कॉमन ले ही रखा था, साथ में कौन आ रहा है मेरे पास में, ये वाली टर्म M2G इस तरफ चले गए और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने उठा करके निकाल ली। तो M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2, आई एम टेकिंग LCM और यहां क्या मिल रहा है M1 M2G और साथ में क्या मिल रहा है M2 स्क्वायर G। यहां मैं क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा, टेंशन की वैल्यू निकाल लूंगा, पर ये वाला काम थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जब मैं रखता हूं कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें, डायरेक्टली इक्वेशन बना लें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।